खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर श्रमिकों के लिए 4 लेबल कोड बनाकर श्रमिकों के श्रम कानूनों को समाप्त करने के फैसले के खिलाफ श्रमिक संगठन सीटू द्वारा संगठन के कार्यालय में कानून को समझाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता सीटू के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड प्रमोद प्रधान रहे। कार्यशाला में सीमेंट यूनियन से जुड़े पदाधिकारी, मेडिकल यूनियन व वर्क चार्ज श्रमिकों ने भाग लिया। इस मौके पर सीटू के जिलाध्यक्ष विजय सिंगर, महासचिव सौरव मिश्रा, राकेश सिंह, रमाकांत तिवारी, अमित सोहगौरा, राम नरेश दुबे, तेज प्रताप सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। रीवा से ब्यूरो चीफ शुभम प्रसाद कुशवाहा की रिपोर्ट। कार्यशाला की गई है श्रम कानून को लेकर। देखिए अभी क्या है, हिंदुस्तान की सरकार ने जैसे 3 काले कृषि कानून लाए जिससे खेती बर्बाद हो जाएगी, 4 ऐसे काली श्रम संहिताएं सरकार ने पारित कर दी बिना किसी चर्चा के संसद में, कोरोना की आड़ में किसी को पता नहीं पड़ा और कोई विरोध जो कर रहे थे विरोध सुना नहीं, और उनसे सारे मजदूरों के वो बुनियादी जो अधिकार थे सब अधिकार छीन लिए गए। आप भी जर्नलिस्ट एक्ट में काम करते थे, आप भी वो एक्ट ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब आने वाले दिनों में जो अभी तक जो व्यवस्था थी कि कानून थे और कारखाने के मालिक कानूनों का पालन नहीं करते थे तो कानूनी गैर कानूनी काम करते थे, तो अभी हम कहते थे कि जंगल राज कायम है सरकार की वजह से गैर कानूनी काम हो रहा है। अब उनके गैर कानूनी काम को जो उल्लंघन करते थे उसको कानूनी रूप दे दिया। अब कानून के अंदर से ऐसे प्रावधान कर दिए कि जो उनकी दादागिरी होगी बधुआगिरी कराएंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, परमानेंट नहीं करेंगे, फिक्स। मतलब ये माना जा रहा है कि लेबर कोड ही खत्म कर देंगे? खत्म, श्रम कानून खत्म, और श्रम कानूनों के नाम पर कारखाने के मालिकों के पक्ष के कानून थोप दिए गए। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं देशभर में, और अपने जो नेतृत्व के साथी है उनको वो पूरे कानून की व्याख्या करके बता रहे कि क्या क्या इन्होंने किया है। उसके लिए कार्यशाला है, हमारे ये रीवा के आसपास के सीमेंट कारखाने उनके जो 5 कारखानों के मुख्य मुख्य नेता हैं 12 से 15 के बीच में एक कारखाने के वो यहाँ बैठे हुए तो नेता। यहाँ पर फैक्ट्रियों के वर्कर सीमेंट कारखाने के श्रमिक और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और कंटेंजेंसी ऐसे बहुत से भी मजदूर हैं, लेबर हैं जो वर्किंग करते हैं उनका इनको प्रशिक्षित करेंगे, इनके जरिए उन तक बात पहुंचाएंगे, उनको भी संगठित करेंगे और सारे मजदूरों को इकट्ठा करने का। क्या नाम है और क्या पद है आपका? मेरा नाम प्रमोद प्रधान है, मैं सीटू का मध्य प्रदेश का महासचिव हूं, राष्ट्रीय सचिव हूं और सीमेंट मजदूर एकता यूनियन का संभागीय अध्यक्ष हूं।